Equality exists only among equals. To equate unequals is to perpetuate inequality. बराबरी सिर्फ बराबरों के साथ की जाती है, उन्हीं के बीच मौजूद होती है. दो गैर बराबर लोगों को बराबरी के मुकाबले में ठेलना एक किस्म से अन्याय है, और उसी अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है. आज हम वोट नहीं दे रहे हैं, ईवीएम में घोटाला हो जा रहा है. दुनिया के अधिकांश देश इस ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? इसलिए कोई भी संस्था संदेह के दायरे में अगर जा रही है तो यह ठीक बात नहीं. शरद यादव ने नवंबर 1990 में एक भाषण किया था और कहा था कि पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे के इस देश में हम किस बात पर अभिमान कर सकते हैं? क्या हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि सदियों से एक चौथाई आबादी को हमने छूने तक का काम नहीं किया है, उन्हें अछूत बनाकर रखा है? किस बात पर गर्व करें? इस बात पर कि हिंदुस्तान के लोगों को पेशों से जाना जाता है. आज अगर आप भैंस देखो तो अहीर दिखता है, नाव देखो तो मल्लाह दिखता है, मुर्गी देखो तो आपको अंसारी दिखता है, आप सब्जी का कोई खेत देख लो तो आपको कोयली दिखता है. इस तरह का हमने समाज बनाया. काठ देखो तो बढ़ई दिखता है, पर इस तरह से हमने उसको पहचान के दायरे में महदूद कर दिया है. इस दुनिया मैंने भारत में अगर आबादी 80 करोड़ की है, 100 करोड़ की है उस वक्त, और 33 करोड़ देवी देवता है, यानी हर दूसरे तीसरे आदमी पर एक देवता है, और उसके बावजूद ये जहन्नुम में जा रहा है रोज यह देश, और हम लोग पोंगा पंथ से बाज नहीं आते. कल ही एक एमएलए से भेंट हुई और वो एकदम दिए जा रहा है कि भाई समाजवादी लोग भ्रष्ट हो गए, कुछ हो नहीं रहा. हमने कहा कि आपने अपने गांव में एमएलए साहब क्या मृत्यु भोज का बहिष्कार किया है? दहेज मुक्त शादी की परंपरा को आगे बढ़ाया है? ऐश्वर्य का जो ये भोंडा और नंगा प्रदर्शन होता है, शादी उल्लास नहीं शोक का विषय हो जाता है उस बेटी के बाप के लिए? तो नहीं, हमारे करने से क्या होगा? नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके करने से ही होगा. और आज माफ कीजिएगा कि समाजवादियों, असामाजिक समाजवादियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, अनसोशल सोशलिस्ट. और 4-5 कैटेगरी हैं. एक शख्स हमको बता रहे थे, गो सेवा आयोग के चेयरमैन थे उत्तर प्रदेश में, कि एक तो खांटी समाजवादी है जो अपना बुद्धि विवेक श्रम धन बल सब कुछ लगाता है समाज के लिए, एक है हुल्लर समाजवादी जो कहीं भी जाओ किसी भी पार्टी में रहो और एक झंडा इधर से निकाल दिया, दूसरी तरफ से नेता का फोटो चिपका दिया, और जो मन सो करा रहा है, और उसकी वजह से तमाम आंदोलन दरकता है. एक है मसाजवादी समाजवादी, वो अपने नेताओं का इतना ईगो मसाज करेगा कि जो है आप ही हैं, आप ही से भारत